दोस्तों, मैं रिपोर्टर राजू आज लाया हूँ शीन फराद की निकल पड़ी का फिल्म रिव्यू। यह कहानी है 45 वर्षीय फराद की, जो अपनी माँ डेजी ईरानी और दादी माँ शमी के साथ रहता है। माँ और दादी के दबाव में आकर फराद कई बार लड़की देखने जाता है, मगर हर बार रिजेक्ट किया जाता है। उसके रिजेक्शन का कारण उसका प्रोफेशन है, क्योंकि फराद एक पेंटी सेल्समैन है। मगर एक दिन उसकी शॉप में शिरीन आती है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। मगर हर कहानी की तरह फराद को भी अपनी मम्मा को कन्विंस करना है, जो शिरीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सिनेमा में इस तरह की कहानी पहले नहीं आई है, मगर यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि करेक्टर जो है वो 20 वर्षीय नहीं है, मिडिल एज करेक्टर है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। शिरीन और फराद ऐसे दो करेक्टर हैं जो लाइफ में अब तक सेटल नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हें उनका राइट पार्टनर नहीं मिला है। शिरीन और फराद इस कहानी में ये प्रूव करते हैं कि लव की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि ये फिल्म आपको पूरे 2 घंटे हंसाएगी, गुदगुदाएगी। फिल्म की डेब्यू डायरेक्टर बेला बंसाली सहगल और प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली ने सूझबूझ कर करेक्टर आर्टिस्ट को इस्तेमाल किया है। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। न्यूज़ कैफे लाइव से मैं रिपोर्टर राजू, थैंक्स।